शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर लगातार केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते मंगलवार के दिन नगर परिषद बागली में स्वच्छता पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य रूप से स्वच्छता अभियान उज्जैन संभाग प्रभारी हिमांशु शुक्ला, विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, अध्यक्ष सीमा यादव, उपाध्यक्ष आरती शिवहरे, कमल यादव, सीएमओ महेश कुमार शर्मा की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सफाई कर्मचारी भी उपस्थित रहे, जिन्हें स्वच्छता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही नगर वासियों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। नगर परिषद के द्वारा सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के प्रमाण पत्र वितरण कर सम्मानित किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर हिमांशु शुक्ला है और मैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी उज्जैन संभाग का परियोजना क्रियान्वयन इकाई का सदस्य हूँ। आज यहाँ बागली नगर परिषद में स्वच्छता की पाठशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से आदरणीय विधायक महोदय श्री पहाड़ सिंह जी कन्नौजे, अध्यक्ष महोदय यादव मैडम, उसके बाद साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय और अन्य पार्षद प्रतिनिधि, पार्षदगण, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण मौजूद रहे। और इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य ये था कि किसी भी निकाय में स्वच्छता जो होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और वो सभी के सहयोग से ही पूर्ण हो पाती है। अर्थात सफाई कर्मचारी अपने काम को बेहतर तरीके से करें, साथ ही साथ नागरिक जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उसके साथ में परिषद जो है वो भी लोगों को जागरूक कर इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास करें, और नगर परिषद के अंदर जितने भी हमारे पार्षद हैं वो अपने जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को सुने और उसके साथ साथ में कैसे बेहतर तरीके से नगर पालिका परिषद और आपका वार्ड प्रतिनिधि और आपके सफाई मित्र मिलके एक अच्छी और बेहतर सुविधा और बेहतर स्वच्छ माहौल, स्वच्छ पर्यावरण हमारे बागली के रहवासियों को उपलब्ध कराए समस्त वार्डों में। तो इसी उद्देश्य को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई थी। साथ ही साथ इसका एक दूसरा उद्देश्य ये भी था कि सफाई मित्रों का सम्मान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के उपलक्ष्य में सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, विधायक जी, माननीय विधायक जी और अन्य महिलाएं, सफाई मित्रों को इसमें आमंत्रित किया गया और उन्हें स्वच्छता की पाठशाला के अंतर्गत समझाइश दी गई कि स्वच्छ नगर, स्वच्छ बागली, स्वच्छ शहर किस तरह से रखा जाएगा, इसमें क्या क्या गतिविधियां करना है। इस बारे में माननीय हमारे विधायक जी के द्वारा, अध्यक्ष महोदय द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय द्वारा, परिषद द्वारा, साथ ही संभागीय PIU आदरणीय डॉक्टर हिमांशु जी के द्वारा विस्तृत स्वरूप से इस पाठशाला का आयोजन कर उसके समझाइश दी गई। कर्मचारियों का स्वागत भी किया गया। इसमें कर्मचारियों का सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।